हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में यहाँ पर अपने बेटे के लिए टिफ़िन बॉक्स बना रही हूँ, लंच उसके लिए टिफ़िन लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस मुझे जो चीज़ें बनानी है वो मैंने फ्रिज से निकाल ली है और आज बहुत अच्छी चीज़ बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसके आज कल ना उसके पापा ने एक मतलब नाश्ता के लिए जो है ना बन जो होता है ब्रेड वाला, मतलब पाव भाजी वाला, वो वाला जो है ना ला कर दिए थे। तो कह रहे थे कि कार्तिक के लिए टिफ़िन में ये बना देना करके, तो आज मैं उसके लिए वही बना रही हूँ। और इस तरह का ना नाश्ता बहुत पसंद भी आता है कार्तिक को और अच्छा लगता है। तो आज के जो पाव है ना उसे मैं जो बर्गर बन टाइप के होते हैं ना वैसे ही मैं बना रही हूँ, बर्गर जैसे। तो इस बार गोल वाली जो ब्रेड है ना वो नहीं लेकर आए हैं और ये वाली बन वाली लेकर आ गए थे, तो इससे ही मैं बनाने वाली हूँ। और इससे मैंने भी कई बार बना चुकी हूँ तो मतलब अच्छे ही लगते हैं। बस ये है कि उसमें फ़र्क हो जाता है ब्रेड का, ये वो गोल होती है, ये पाव वाली है, तो टेस्ट तो वही रहता है। तो बहुत जल्दी से झटपट से बन जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और थोड़ा सा क्योंकि इसीलिए हल्का फुल्का सा भी दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम अभी जो स्कूल की जो टाइमिंग है ना वो थोड़ी सी अभी जल्दी छुट्टी हो जाती है और सुबह सुबह फिर मुझे भी ना बहुत सारा काम रहता है और मुझे भी अपने लिए टाइम चाहिए होता है। तो सोचती हूँ जल्दी से कुछ अच्छा सा स्नैक बना देती हूँ, हेल्दी सा और अच्छा। तो सब्जियाँ मैं खूब सारी भर भर के डाल देती हूँ ताकि अच्छा लगे, और सब्जियों को मैं इस तरीके से डालती हूँ ताकि वो खा ले, क्योंकि मैं बारीक बारीक कट करके ना मतलब जैसे जो चीज़ बारीक काटने की होती है जैसे प्याज वो काट लेती हूँ, और भी चीज़ें मैं डालती हूँ ना जैसे कि गाजर हो गई या और भी चीज़ें जो मतलब जो आप खाना चाहें आपके बच्चे या कुछ जो भी सब्जी, तो वो मैं कद्दूकस करके डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना फिर वो ये है कि चलो हेल्दी हो जाता है। साथ के साथ यहाँ पर मैं ना देखिए लंच की भी तैयारी करते जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ है ना ये जैसे कि दाल निकाल ली है, दाल को मैं धुल के और रख दूँगी भिगोकर ताकि दोपहर के टाइम में ना जब बनाऊँगी तो थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है, बनने का जो प्रोसेस है ना वो जल्दी हो जाता है। और यहाँ मुझे बनानी थी चाय, तो शक्कर ख़त्म हो गई थी डेली वाले डिब्बे में, तो शक्कर भर लेती हूँ। और अभी ना इस टाइम पे ये जो है ना बारिश स्टार्ट हो जाती है और विंटर के टाइम में पता नहीं चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालती हूँ शक्कर ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। और चींटी लग जाती हैं तो फिर वही है, उनको निकालते रहो चींटी को ही, तो ये हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने है ना ये प्याज मैंने इसमें डाला था, प्याज हरी मिर्च और थोड़ी सी पत्ता गोभी गाजर ये सारी चीज़ें थी तो मैंने डाल दी हैं और इनको अच्छे से मैं भून ली हूँ। उसके बाद मैंने हरी ये थोड़े थोड़े से मसाले डाल दिए हैं और आलू मैंने रात को बॉईल करके रख लिए थे उबाल करके और अभी छीले हैं, सिर्फ उबाले थे छील कर नहीं रखे थे। और यहाँ पर मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं तो अब मैं इनको अच्छे से है ना मैश कर देंगी पोटैटो मैशर से, इससे ना बहुत अच्छे से मैश हो जाता है और बढ़िया से जो है ना पाव में भरने में आसानी रहेगी। तो बस यहाँ पर ये स्टफिंग जो है ना ये बनके तैयार हो गई है, सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। और इसमें ना आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम, जैसे कि मैं इसमें पराठा भी बना सकती हूँ और आलू के पराठा या आलू की सब्जी भी दे सकते हैं पराठे के साथ। ये जो स्टफिंग मैंने बनाई है इतनी अच्छी लगती है ना कि आप पूड़ी पराठा कुछ भी के साथ ना दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो मैं ये बना रही थी, तो देखिए यहाँ पर मैं ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के थे, ये मिनी साइज़ के अच्छे लग रहे थे क्यूट, तो कह रहे थे मेरे पति के नया सा जो बन है ना वो आया है और ये 10 रुपए का पैकेट था तो ले आए, कह रहे थे लेके आऊँगा। तो
तो अच्छा लग रहा था और छोटा सा भी था, ज़्यादा वो नहीं था। तो फिर देखिए यहाँ पर मैंने है ना दो दो करके इस तरीके से है ना इसमें बीच से कट कर लिया है ताकि इसमें जो स्टफिंग है ना वो भर सकूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सॉस है ना वो लगा दे रही हूँ, और सॉस भी जो है ना एंडिंग होने वाला है इसका भी, तो थोड़ा सा सॉस भी है ना कम ही लगा रही हूँ। तो इनको है ना मैं ऐसे ही पहले डबल डबल करके ही मैं ऐसे करके इसको भर करके और सेक दूंगी, और उसके बाद जब टिफ़िन में रखूंगी ना तो इसको मैं कट कर दूंगी। तो दो दो है ना तो इनको एक एक करके छोटे छोटे पार्ट में कट कर दूंगी और फिर टिफ़िन में भर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से ये मैं ऐसे बना रही हूँ, और ये इतना अच्छा लग रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं अभी है ना पहले इसको थोड़ा सा सेक भी लूँगी, बढ़िया घी से इसको सेकूँगी तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो बर्गर वगैरह होते हैं या सैंडविच कुछ भी, एकदम सैंडविच जैसा ही है, लेकिन इसमें मैंने ऊपर से जो कच्ची सब्जियाँ होती हैं ना वो कट करके नहीं डाली हैं, और क्योंकि कार्तिक ना मना कर रहा था तो मैं सोच रही थी कि इसमें मैं डाल दूँ, तो फिर मैंने नहीं डाला, मना किया। तो और इसको है ना मैं घी में सेक लूँगी, तो ये थोड़ा सा सेक दो ना घी में तो अच्छे लगते हैं, स्वाद ना बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस फटाफट से मैं एक बार में ही ये सारे आ जाएंगे इसमें, तवे में छोटे ही थे मिनी साइज़ के, तो यहाँ पर मैंने घी लगा दिया है और अभी एक साइड से इनको अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लूँगी, फिर उसके बाद दूसरे साइड से सेक लूँगी। पिछले वीडियो में मैंने मतलब होम टूर को लेकर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने पढ़ा, ऐसी बात नहीं है मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ी हूँ, लेकिन मैं अभी बना नहीं पा रही हूँ मैं होम टूर। बस बहुत जल्दी ना मैं आप लोगों को अपना पूरा होम टूर देने वाली हूँ, क्योंकि अब आप लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कहीं आप, तो मैंने सोचा चलो किसी दिन बनाते हैं। तो थोड़ा सा है ना घर अभी ऐसा ही उथल पुथल जैसा पड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी मैं ना घर में उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ अपने काम की वजह से, तो एग्ज़ाम है ना इस वजह से, तो मुझे ज़्यादा टाइम मुझे अपने लिए चाहिए, तो थोड़ा सा इसीलिए लेट हो रहा है। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत जल्दी मैं देने वाली हूँ तो होम टूर का वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा, और मेरे इन वाले वीडियो को भी प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और आप लोग इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप लोग बोलते हो मुझे ये अच्छा लगता है, वो आपकी छत हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक हैं जो जिनको तो मेरा ब्लॉग है ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हैं, बहुत सिंपल से रूटीन होते हैं, आई होप कि आप लोग इतना पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से आप ना मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही, और बस मैं आप लोगों को थैंक यू के अलावा और कुछ कह भी नहीं सकती, तो इससे बड़ा शब्द ही नहीं है, थैंक यू सो मच कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे बेटे का टिफ़िन ना रेडी हो गया है, कितना झटपट से बन गया और इतना अच्छा हेल्दी और बहुत अच्छा, इतना खुश हो जाता है मेरा बेटा तो ये सारी चीज़ें मतलब ले जाता है, और मुझे भी बहुत खुशी होती है बनाने में, उसे जो पसंद होता है मैं वही बना के देती हूँ देखिए, ताकि वो खा के आ जाए तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।